देखिए पूरे देश में दिवाली की तैयारियां हैं। 500 सालों का इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या के लिए इस बार की ये दिवाली बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। राजा राम अपने भव्य दिव्य और शानदार मंदिर में विराजमान है और इसलिए इस बार की दिवाली रामलला है के संग वाली है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है, ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार यहां पर पूरा हुआ है। 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। 500 साल बाद प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य तरीके से मंदिरों में हजारों दीप जलेंगे। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाएं, प्रभु राम के आगमन पर अपने घरों में आत्मीयता और समता का दीपक जरूर जलाएं। आपको बता दें इस बात का जिक्र बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। तैयारियां क्यों ना हो, क्योंकि जो सरयू तट है वहां 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 35 लाख दियों की बारी है अयोध्या में। भगवान श्री राम विराजमान हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उस अनुभव को हम लोग समझ पा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यह हर जनमानस की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि जब राम लला विराजमान खुद वहां मौजूद होंगे तो आप समझिए कि विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है जब जो झांकियां सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि अंदर रोम रोम पुलकित हो गया है और ये तस्वीर उसे और भी मजबूत कर रही है। दो तस्वीरें राम की पैड़ी पर, तैयारियां पूरी, और जो झांकियों की तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं और ये सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप इन दियों को देखें, तैयारी पूरी है, 35 लाख दिए जलाए जाएंगे। और ऋतु हमारे साथ मौजूद है और ऋतु भव्य तैयारी, सुबह से लगातार आप डटी हुई हैं, दिखा रही उन तस्वीरों को, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और प्रभु श्री राम के चरणों में उसे रख देना है। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। 25 लाख दिए एक साथ जलने का ये विश्व कीर्तिमान जो है वो तो रचा ही जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, बेहद अहम ये तस्वीर है। ये वही जगह है, ये वही सरयू का तट है जहां आज शाम में दीपोत्सव से पहले यहां पर महाआरती होगी और ये देखिए यही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यही पर वो यहां पर इस महाआरती में शामिल होंगे। वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जरा आप तस्वीर और खूबसूरती को देखिए, यहां पर किस तरीके से फूलों का इस्तेमाल किया गया है, रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और ये सरयू तट आपको त्रेता की याद दिला रहा होगा विवेक। और ये तस्वीर बेहद विहंगम दृश्य है, बेहद अलौकिक दृश्य है, बेहद दिव्यता यहां पर रामनगरी की पेश करते हुए जिस तरीके से राम राज्य का जिक्र हम लगातार कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, अयोध्या के दीपोत्सव का जब भी जिक्र आता है यही तस्वीर अमूमन हमारे जहन में आती है और ये तस्वीर सरयू तट की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही थी, एक साथ 1100 जो बटुक है, जो वेदाचार्य है, वो यहाँ पर महाआरती करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसके अलावा अगर वेशभूषा की बात करें तो सब तमाम जो संत है वो एक ही वेशभूषा में नजर आने वाले हैं। महाआरती यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये बयां करती है जो इंतजार था राम जी का, अपने राजा राम का, लोगों का, वो तो पहले ही पूरा हो चुका है। टेंट से निकल करके राजा राम जो है वो अपने दिव्य अलौकिक दरबार पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सही मायनों में कहा जा रहा है, पहले 14 साल का वनवास काटा था त्रेता में प्रभु राम ने और यहाँ पर तो 5 सदियों का इंतजार जो है वो लोगों ने किया है, 5 सदियों का। बिल्कुल ऋतु, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही है, सरयू घाट पर आप मौजूद है, ये वही सरयू घाट है जिसमें पिछली बार हमने देखा था कैसे जमकर आतिशबाजी भी हुई थी और खुद वहां पर मेहमान के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लेकिन अगर हम बाकी इसके आसपास के मंदिरों की बात करें तो वहां को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पिछली बार देखा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची थी, दिए गिने थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, इस बार भी वैसा ही एक मंजर बना हुआ है।
बिल्कुल प्रियंका, जो आप जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र कर रही हैं, साल दर साल जो ये रिकॉर्ड है ये कायम किया गया है। 2017 से शुरुआत हुई थी, 2017 से लेकर के आज तक ये रिकॉर्ड लगातार कायम किया जा रहा है। हर एक साल जो दीयों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर तैयारियों का जिक्र करें, सरयू तट पर तो तैयारियां पूरी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बता दें केड़ी बाजार, वहां पर झांकियां भी लगाई गई है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद वहां पर भी हम पहुंचेंगे और वहां पर भी किस तरीके से झांकियां लगाई गई है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो जो दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर, यहीं पर वो महाआरती होगी। 1100 जो वेदाचार्य है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो 1100 बटुक होंगे वो यहाँ पर महाआरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बैठेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, मंच की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए जो तस्वीरें आज आप दिखा रही है। और एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट पर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान ले लिया और एक बड़ी कमेटी बनाने का भी मन बना लिया। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की चिंता के बाद एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, गृह मंत्रालय ने इस पर पहल शुरू कर दी है। ये काम कैसे करेगा ये भी हम आपको बताते हैं, राज्यों से रिपोर्ट लेगा किन किन राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हुई हैं, कितनी संख्या में घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या अभी तक एक्शन लिए गए हैं, ये कमेटी सभी रिपोर्ट्स को हैंडल करेगी, देखेगी और उसके बाद इसके तोड़ को निकालेगी, इसको तोड़कर किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए, जो लोग इसमें शामिल है और कैसे इस पूरी घटना को, इस वाक्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इस बात को लेकर जिक्र किया था, अपनी चिंता जाहिर थी और समिति ने राज्यों से रिपोर्ट मांग ली है और इस रिपोर्ट में यह बताना होगा उन राज्यों को कि उनके राज्य में जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो वाकया है या फिर जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं और क्या राज्यों ने एक्शन लिया है। तो गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी है जो हर एक पहलू की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की चिंता जो अभी इस वक्त डिजिटल अरेस्ट को लेकर है उस चिंता को भी दूर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था, हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके।